अल्लाह के नाम पे ले बाबा, महापौर के नाम से लो, महापौर के नाम पे ले बाबा, एक रुपया आज आना, चार आना, दस पैसा, पांच पैसा, महापौर के अवकाश से बोला कमीशन दे जाबर है, एक रुपया आज आना, चार आना। अरे है आप लोगों के सामने है, किस प्रकार से गिट्टी और डामर अलग हो चुके हैं, पूरा धूल उड़ रहा है। ये केवल कमीशन खोरी के कारण है और भ्रष्टाचार के कारण नगर निगम में बैठे महापौर अपना धन उपार्जन भ्रष्टाचार से कर रहे हैं। हम लोग उनके लिए आम जनता से भीख मांग कर उनको दे रहे हैं और हम लोग महापौर से यह विनती करेंगे कि भ्रष्टाचार न करें। जनता आपको भीख मांग के पैसा दे रही है, आप उससे धन का उपार्जन कर लें, लेकिन जनता को अच्छी रोड मिले, कमीशन खोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, ये हम सब भाजपा पार्षद दल कोसाबाड़ी भाजपा की एक मांग है। हम महापौर को जाके यह भीख भेंट देंगे। कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? कार्यक्रम देखिए, पिछले बार हम लोगों के द्वारा गिट्टी को इकट्ठा करके साक्ष्य के रूप में दिया गया था, तब भी महापौर नहीं जागे। इस बार पुनः वही गलती महापौर के द्वारा की जा रही है। कमीशन खोरी का उनकी लालच बंद नहीं हुई है और इस बार भी दो महीना पहले ये सड़क बनी थी जो कि बलि चढ़ चुकी है, हम ले जाके भीख देंगे। उसके बाद भी अगर उनकी कमीशन खोरी की भूख बंद नहीं होगी तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। आप देख सकते हैं, कोसाबाड़ी से लेके बुधवारी तक पूरी रोड खराब है, पावर हाउस रोड की खराब है, ट्रांसपोर्ट नगर स्टेडियम रोड खराब है, दर्री की रोड पूरी खराब है। तो जहाँ जहाँ पूरी रोड अभी नई बनी है वह पूरी रोड खराब है। और अभी एक जानकारी मिली है कि डीएमएफ से 30 करोड़ रुपए और मिल रहा है रोड बनाने के लिए, वह 30 करोड़ भी कमीशन खोरी की और भ्रष्टाचार की बलि न चढ़ जाए, इस बात का हमें डर है। हम महापौर को सचेत कर रहे हैं कि महापौर ये भीख स्वीकार करें और अपनी कमीशन खोरी बंद करें। ये जिस रोड पे आप चल रहे हैं, ये कब की बनी हुई थी? ये रोड दो महीना ढाई महीना पहले बनी है। आप निगम से पता कर सकते हैं, पूरी पुष्टि है, पूरी सत्यता है कि ढाई तीन महीना पहले ये रोड बनी है। तो कितने लागत रही होगी? लगभग कई जगह की रोडों का निर्माण किया गया था, कहीं पे 1,30,00,000 रुपए थी। टोटल शहरों की लागत 8-9 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन पूरी लागत जनता के खून पसीने की कमाई और पूरी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। कोरबा शहर में रोड देख सकते हैं कि किस तरह से डामर की रोड दो ढाई महीने पहले बनी थी, उसका अभी पूरी धूल दूषित हो चुकी है, गिट्टी अलग हो चुकी है, डामर का कहीं नामो निशान नहीं है। पूरी जनता शहर की परेशान है सड़क की धूल से, इसलिए साफ साफ झलक रहा है कि सड़क निर्माण में बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया गया था। इस भ्रष्टाचार के विरोध में हम महापौर जी को सचेत करना चाहते हैं कि आप सड़क निर्माण में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करें। यदि आपको धन की आवश्यकता है तो जनता से धन इकट्ठा करके पार्टी जनता से धन करके हम सभी लोग उनको दे रहे हैं, किंतु जनता को होने वाली असुविधाओं से कम हम उनको बचाना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के द्वारा सड़क के लिए पुनः आंदोलन किया जा रहा है और हम लोग ये भीख मांग रहे हैं ताकि महापौर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है, तो हम ये पैसा इकट्ठा करके उन्हें देंगे ताकि वो इस पैसे से वो अपना परिवार चलाएं, अपना जो भी करना करें, लेकिन सड़क अच्छी बनाएं और देश की जनता और कोरबा की जनता का नुकसान ना करें। और इसी मांग के साथ हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। इतना बड़ा मामला है, भाजपा
भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष नदारद हैं और भी बड़े नेता नदारद। हमारे जिलाध्यक्ष जी कोरबा से बाहर हैं, लेकिन आंदोलन किसी भी रूप में हो, लेकिन आंदोलन है, इसको हमको देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्वरूप में छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए। मुद्दे उठ रहे हैं और सही मुद्दे उठ रहे हैं, यह विचार करना चाहिए।